उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है और यहाँ के कड़कड़ में देवी देवता विराजमान हैं। हम आज आपको ऐसे ही अद्भुत पौराणिक मंदिर के बारे में बताएंगे जो थराली के सिमलसैंण में है। पौराणिक काल से ही सिद्धि के लिए विख्यात ये मंदिर पूरे क्षेत्र में दिव्य है, जहाँ भगवान शंकर के रुद्रा अवतारों और माँ भगवती के सहयोगी वीरों की पूजा अर्चना होती है। साथ ही क्षेत्रीय लोगों के द्वारा विशाल भंडारा भी किया जाता है। जिसमें कई क्विंटल अनाज और फल कुछ ही देव पशुआ मिनटों में खा जाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चांगल यानी कि चंदोल वंशियों के इस गांव के वीर नृत्य की परंपरा है, जिसे विश्व धरोहर बनाने की मांग अब उठने लगी है। यहां के ग्रामीणों ने इस वीर नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय धरोहर बनाने के लिए मुहिम छेड़ी है। वीर नृत्य बहुत ही पौराणिक नृत्य है और इसमें भगवान शंकर के रुद्रावतारों को प्रसन्न करने के लिए उनको आवाहन किया जाता है, उनका नृत्य होता है। और साथ ही साथ इसकी सबसे बड़ी खासियत जो है वो ये है कि क्षेत्र के बहुत सारे लोग कुंटलों अनाज एकत्रित करते हैं, फल चना गेहूं भुना हुआ, इस प्रकार के जो औषधीय जो वस्तुएं हैं, जो हमारी प्राकृतिक फसल हैं, उसको एकत्रित करते हैं। उसका बड़ा विशाल भंडारा होता है जिसे कुछ ही देव पशुआ कुछ ही मिनटों में खा जाते हैं और फिर उसके बाद वो पूरा अपना आहार करते हैं। तो एक बहुत आश्चर्य की बात ये भी लगती है। और दूसरा, इस नृत्य को लगभग 500 सालों से भी ज़्यादा हमारी संस्कृति में विद्यमान हो चुका है और इन 500 सालों में हमारे क्षेत्र के बहुत दूर दूर तक इसकी फेम है, बहुत दूर दूर तक इसके चर्चे हैं। और अगर हम बात करें, आज से 20 साल पहले मैंने इस नृत्य को देखा था और उस नृत्य की पृष्ठभूमि को देखते हुए मैंने मंच के लिए इसके लिए कार्यक्रम तैयार किया और हमने भारत के जितने भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो कार्यक्रम होते हैं उन कार्यक्रमों में इस नृत्य को प्रस्तुत किया। और चाहे वो उड़ीसा की बात करें जहाँ पर हमारी बोली भाषा किसी को समझ में नहीं आती, गुवाहाटी की बात करें, चेन्नई की बात करें, या गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान की बात करें, ऐसे बड़े बड़े मंचों पर हमने इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया तो वहाँ पर भी लोगों ने इसे बहुत ही पसंद किया। गांव के रहने वाले दीपक चंदोला ने बताया कि उनके द्वारा पीएमओ को पत्र भेजते हुए इस मांग से अवगत कराया गया है, तो वहीं पीएमओ द्वारा भी पत्र का जवाब भेजते हुए संस्कृति विभाग को इस मांग पर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। ये विशेषतया आज जो हमारे विश्व में जो प्रयास चल रहे हैं वो ये है कि संस्कृति को लेकर के सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में बड़े गंभीर प्रयास कर रहे हैं। इसको लेकर के हमारे चंदोला वंशों में भी एक हमारी एक धरोहर है जो वीर नृत्य के माध्यम से कई वर्षों से हमारे पुराने लोग इसको करते हुए आ रहे थे। तो ये हमारा नैतिक दायित्व है कि हम इसको अंतर्राष्ट्रीय धरोहर में सम्मिलित करने का प्रयास करें। इसके लिए मैंने व्यक्तिगत रूप से प्रयास किए, जैसे मैंने मुख्यमंत्री कार्यालय को लिखा, प्रधानमंत्री कार्यालय को लिखा और भी अपने जो सम्मानीय सांसद विधायक थे उनमें से कुछ लोगों को भी लिखा, जिससे मुझे प्रधानमंत्री कार्यालय से भी इसमें पत्र मिला है और उन्होंने इसके द्वारा संबंधित विभाग को लिखा है कि वो संगीत नाट्य अकादमी को लिखा है कि वो इस विषय में कार्रवाई करे और संभवतः ये कोरोना महामारी के बाद वो लोग आएंगे और इस विषय में जो उनकी जांच प्रक्रिया है उसको करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि हमें ये मान्यता मिले ताकि हमारी जो संस्कृति है वो भविष्य में संरक्षित हो सके और इसका नाम उजागर हो। इस वीर नृत्य को थराली की ही एक सांस्कृतिक और सामाजिक संस्था बधाणी द्वारा भी कई सांस्कृतिक मंचों पर दिखाया जा चुका है। साल 2005 में बधाणी संस्था द्वारा ही गणतंत्र दिवस के मौके पर पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम की उपस्थिति में इंदौर में इस नृत्य ने सांस्कृतिक मंच पर अपनी अलग ही छटा बिखेरी थी। मान्यता के अनुसार यहाँ स्थापित मंदिर में दूधाधारी नरसिंह साक्षात विराजमान रहते हैं। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से वीरों की इस भूमि में आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ डोरियों और ढोलियों की गाथा से पता चलता है कि गढ़वाल के बधाणगढ़ के राजा ने क्षेत्रीय जनता की आशा और विश्वास और धार्मिक भावना बनी रहे इसके लिए बधाणगढ़ी में भगवती नव दुर्गा की स्थापना की, जो क्षेत्र के दक्षिण दिशा में होने की वजह से दक्षिणेश्वरी नाम से जानी जाने लगी। यहाँ माँ भगवती के गोरजा भवानी, गिरिजा, सैलपुत्री, कोदड़ी माई की पूजा अर्चना की जाती थी, जो आज भी यथावत बनी है।
मान्यता के अनुसार लगभग 500 साल पूर्व पौराणिक चांगल वीरों ने यहां पर नरसिंह भगवान और उनके वीरों की स्थापना की। फिर समय के साथ साथ गांव के लोगों, पंडितों, डोरियों और ढोलियों के सहयोग से यहां पूजा अनुष्ठान करवाया गया, जिसमें देव पशुआ अवतरित हुए, जिनकी पूजा के साथ साथ ही उन्हें शांत करने का सफल कार्य चांगल वंशों के विद्वानों द्वारा किया गया, जिसमें इन देव पशुओं को संतुष्ट करने के लिए कई क्विंटल अनाज, फल, प्रसाद और हजारों लीटर पानी रखा गया, जिसे कुछ ही देव पशुआ कुछ मिनटों में ही खा जाते हैं। आज भी लगभग 500 सालों से इस अनुष्ठान का आयोजन बड़ी दिव्यता, भव्यता और आस्था विश्वास के साथ किया जाता है। जो पहले जमाने में काफ़ी सदियों पहले जो होता था, उस टाइम पे लोग मानते हैं कि जो यहाँ के वीर नाचते थे और जो यहाँ के पार्श्व होते थे, उनके अंदर तंत्र और मंत्र की जो शक्ति थी वो बहुत उच्च श्रेणी की तंत्र विद्या थी। उसके अनुसार वो किसी भी चीज़ को अपने उससे अपने इशारे पे उस चीज़ को करवा सकते थे। तो इसका एक उदाहरण यहाँ पे कहा गया है कि जो एक हमारे इसी क्षेत्र के डोंगरी रतगाँव पट्टी में पड़ता है, उसको बोलते हैं ढूंगिया बोग्याल बोलते हैं उसको, तो वो कहा जाता है कि उसमें जो वो पत्थर वहाँ पे एक बहुत विशाल काय पत्थर है, तो यहाँ के वीरों के द्वारा उस टाइम पे इस पत्थर को यहाँ से वहाँ ले जाया गया था, और वहाँ से कहा जाता है कि जो वहाँ का जो वहाँ का जो कुछ और मेटल जो था उसको यहाँ पे लाया गया है। ऐसे में लंबे समय से चलती आ रही वीर पशुओं की इस नृत्य परंपरा को विरासत के रूप में रखने के लिए सिमलसैंण गांव ने इसे अंतर्राष्ट्रीय धरोहर के रूप में सम्मिलित करने की मांग की है, जिस पर संस्कृति विभाग भी अब विचार करने लगा है। संवाद 365 के लिए गिरीश चंदोला की रिपोर्ट।